आज हम अपना इंट्रोडक्शन आपको बिल्कुल नहीं देंगे। इस वीडियो में सारा का सारा फोकस हमारा होगा कैसे आपकी कब्ज की समस्या को 100% सॉल्व किया जाए। इसके लिए हम एक मिनट भी आज वेस्ट नहीं करने वाले। आप लोगों ने कब्ज को सॉल्व करने के लिए कितने सारे रूल फॉलो किए होंगे, यानी कितने सारे ऐसे घरेलू उपाय को फॉलो किया होगा, लेकिन क्या अब तक आपकी कब्ज की समस्या सॉल्व हुई? नहीं ना, तभी आप शायद ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपकी कब्ज की समस्या सॉल्व हो जाती तो आप ये वीडियो नहीं देखते, राइट? आज की वीडियो आपकी ये प्रॉब्लम की आखिरी वीडियो होगी, यानी इस वीडियो के बाद आपको कब्ज की समस्या बिल्कुल नहीं होने वाली, लेकिन उसके लिए आपको इन सभी बातों को फॉलो करना होगा। आज की वीडियो में हम कब्ज होने का रियल कारण को जानेंगे और कैसे आप इसे अपनी लाइफस्टाइल के द्वारा ही सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी दवाइयों के, ये जानेंगे। यानी एक बार आपका लाइफस्टाइल सही हो गया तो आपको कब्ज की समस्या ज़िंदगी में कभी नहीं होगी। देखिए, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन होने के बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न है आपका पानी नहीं पीना, यानी आप लोग उतना पानी नहीं पीते हैं जितना कि आपकी बॉडी में फाइबर जाता है। आप लोगों को एक बात पता है, हमारे शरीर में अगर फाइबर और वाटर का लेवल बैलेंस है तो आपको कब्ज की समस्या कभी भी नहीं हो सकती। इसके अलावा कब्ज होने का एक और बड़ा रीज़न है आपका स्ट्रेस लेना। आप लोगों को एक बात तो पता होगा कि आपके स्टोमिक को आपका सेकंड ब्रेन माना जाता है, यानी आपका दूसरा दिमाग है या आपकी इंटेस्टाइन। अगर ये साफ है, इसमें कोई भी टॉक्सिन नहीं है, तो आपका फर्स्ट ब्रेन भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। और वहीं दूसरे साइड अगर आपके फर्स्ट ब्रेन में थोड़े से स्ट्रेस आ जाए तो आपका सेकंड ब्रेन कभी भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाता। तो अगर आप लोग छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस लेते हैं, ये भी एक बड़ा रीज़न बन जाता है आपके कॉन्स्टिपेशन होने का, राइट? इसके लिए तो आप मेडिटेशन करिए। आप लोग खुश रहने के लिए अलग अलग तरीके को फॉलो करिए। आप लोग डांस कर सकते हैं, आप लोग म्यूज़िक सुन सकते हैं, जो करना है करिए, लेकिन हमेशा खुद को खुश रखिए। कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन होने का तीसरा बड़ा रीज़न है आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल। यानी आप लोग रात के टाइम पर देर तक जागते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का जो वात है वो बिगड़ जाता है। यानी जो आयुर्वेद में बॉडी टाइप होते हैं, वात, पित्त, कफ, इसमें से वात आपकी बॉडी का बिगड़ जाता है अगर आप देर रात में सोते हैं तो। प्लस हमारी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिसकी वजह से भी हमारी बॉडी का वात बिगड़ता है, और वात के बिगड़ने की वजह से ही आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या होती है। तो सबसे पहले अपनी बॉडी में वात को बैलेंस करना होगा। यानी अगर आपकी बॉडी में एक बार ये वायु बैलेंस हो जाए तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, राइट? इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम एक एक करके इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहला तरीका आपकी बॉडी में वात को बैलेंस करने का, आपको पूरी बॉडी की डेली मालिश करनी है। आप 10 से 15 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालें ताकि आप पूरी बॉडी की मसाज कर पाएँ, राइट? ऐसा करने से आपकी बॉडी का वात बहुत अच्छे से बैलेंस रहेगा। और अगर आप लोग रोज़ अपनी बॉडी की मालिश करेंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कभी भी दर्द की प्रॉब्लम नहीं होगी, जो आए दिन आप लोगों को रहती ही है। इसमें भी काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन होगा, हमें कौन से तेल से मसाज करनी चाहिए? तो देखिए, ये आपकी बॉडी टाइप पर डिपेंड करता है। अगर आपको ठंड ज़्यादा लगती है तो आपको सरसों के तेल से मालिश करनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी में हीट ज़्यादा है, यानी आपकी बॉडी टाइप पित्त है, तो आपको नारियल के तेल से या फिर देसी घी से मालिश करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी। और अगर आपकी बॉडी टाइप कफ है तो आपको तिल के तेल से मालिश करनी चाहिए, या फिर आप सरसों के तेल से भी मालिश कर सकते हैं, राइट? आयुर्वेद में इसी तरीके से बताया गया है। नेक्स्ट रूल जो आपको फॉलो करना है, आपको रोज सुबह 1 से 2 ग्लास गुनगुने पानी को लेना है। आप चाहें तो इसमें नींबू को डाल सकते हैं या फिर सादा गुनगुना पानी भी ले सकते हैं। इसे आपको सिप सिप करके पीना है और थोड़ी देर तक वॉक करने के बाद आपको फ्रेश होने जाना है। देखिए, एक बात आप लोग याद रखिएगा, आप लोग जितना हो सके जल्दी उठें, क्योंकि सुबह के टाइम आप जितना जल्दी उठेंगे आपकी इंटेस्टाइन उतनी ही जल्दी साफ होगी। ये हमारी इंटेस्टाइन का एक्टिव टाइम माना जाता है। जैसे रात के 3 से 4 बजे तक हमारा हार्ट एक्टिव रहता है, इसी टाइम पर सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं। ठीक वैसे ही आपकी इंटेस्टाइन का भी एक्टिव होने का एक टाइम होता है, वो होता है 6 बजे तक। अगर आप 6 बजे के बाद उठते हैं या फिर 7 से 8 बजे तक उठते हैं,
जिसकी वजह से आपकी इंटेस्टाइन में जो स्टूल है वो सही से पास नहीं हो पाता, यानी आपकी इंटेस्टाइन खुद को अच्छे से साफ नहीं कर पाती और इसका एंड रिजल्ट होता है कॉन्स्टिपेशन। इसलिए आपको कहा जाता है जिनको भी कब्ज़ की समस्या है या जो लोग चाहते हैं उनको कभी भी कब्ज़ की प्रॉब्लम ना हो, उनको सुबह के टाइम जल्दी उठना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको माननी ज़रूर होगी अगर आप लोग कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ से हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हैं। तो ये सभी बातें आयुर्वेदिक ग्रंथों में बताई गई हैं तो ये गलत तो बिल्कुल भी नहीं होंगी, राइट? सो फ्रेंड, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो। सो फ्रेंड, दैट इज़ इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक माई सेशन। इफ़ यू रियली लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे।